कल तक की रिपोर्ट है। 212 हमारे जोड़े बच चुके हैं और इसमें हम स्थलीय सत्यापन करा रहे हैं। इसमें दो समस्या हमारे सामने आई हैं। इसमें वर पक्ष इसमें तैयार नहीं हो रहे हैं सामूहिक विवाह के लिए। ये लगभग 10% है, तो 212 में लगभग 22 जोड़े ऐसे हैं, इन्होंने 22 बार वर पक्ष ने मना किया है कि हम सामूहिक विवाह में शामिल नहीं होंगे। और उसमें ऐसे स्थिति आई है कि पूर्व में विवाह भी हो चुका है उनका और उन्होंने भूलवश आवेदन कर दिया है। तो हम लगभग 175 की फिगर में हैं, इनका हम समूह विवाह में आयोजन में इनको शामिल करेंगे। जो विवाह होगा ये पहली बार श्रम विभाग के तहत हो रहा है। अगर प्रदेश स्तर पे आप देखें तो ये तीसरा आयोजन है, जैसे पूर्व में गोरखपुर में और उसके बाद इलाहाबाद में और इसके बाद ये बनारस में। लेकिन ये अभी तक संख्या के हिसाब से आप देखें तो सबसे बड़ा आयोजन है। लगभग 1100 जोड़ों का विवाह, समूह विवाह बनारस में होने जा रहा है। अच्छा, इसमें कौन कौन से जोड़े हैं और ये किन की, मतलब ये खास तौर से श्रमिक परिवारों से हैं, कैसे हैं? देखिए, समूह विवाह का इसका उद्देश्य है कि हम सामाजिक समरसता बढ़ाएं और जो दहेज प्रथा है उसको नियंत्रित करें। और विवाह की नई जो पद्धति है, पुरातन जो पद्धतियाँ हैं उसमें कुछ नया लाएँ हम। एक अभिनव प्रयोग है कि समूह विवाह में लोग आएँ और कम से कम खर्च में वो विवाह बंधन में बंधे, और इसके लिए हम पर्याप्त व्यवस्था किए हैं।